बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ एल्स से क्या मुराद है? दोस्तों, जब कभी भी इफ या फिर एल्स ब्लॉक में ही एक और बार इफ एल्स लिखा हुआ हो इस तरह से, तो ये जो एक और बार इफ एल्स लिखा हुआ है, ये क्योंकि इफ के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, इफ की बॉडी में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टिंग या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये पहली इफ स्टेटमेंट कहलाएगी आउटर इफ ब्लॉक और ये सेकंड इफ स्टेटमेंट कहलाएगी इनर इफ ब्लॉक। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक बार ही नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक बार ही इफ के ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जितनी चाहे नेस्टिंग कर सकते हैं, आप इफ ब्लॉक में मजीद इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, इसी तरीके से इनर इफ ब्लॉक के अंदर भी मजीद इफ एज ब्लॉक लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ सकती है। और याद रखिए दोस्तों, आप सिर्फ इफ के ब्लॉक में ही नेस्टिंग नहीं कर सकते, बल्कि एल्स के ब्लॉक में भी मजीद इफ एल्स लिखकर नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये काम किस तरह करता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो आउटर इफ है, इसमें जो कंडीशन लगी है, ये सबसे पहले चेक होगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये इनर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये इस पूरे इफ के ब्लॉक को स्किप करके डायरेक्ट इस एल्स पार्ट पर जंप कर जाएगा, विच मींस कि नेस्टेड इफ एल्स में तमाम दारोमदार आउटर इफ की कंडीशन पर होता है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तभी ये इफ इसके अंदर मौजूद जो इनर इफ कंडीशन है उसको चेक करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती और फॉल्स हो जाती है, तो ये इस पूरे इफ के ब्लॉक को स्किप करके एल्स पर जंप कर जाता है। इसीलिए वी कैन से कि नेस्टेड इफ एल्स के अंदर तमाम दारोमदार आउटर इफ कंडीशन पर होता है। अब दोस्तों, आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आउटर इफ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये इनर इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, उसको चेक करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये डायरेक्ट एल्स पार्ट पर जंप कर जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये इसको चेक करेगा। चेक करने पर अगर सेकंड इफ कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो ये इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये सेकंड इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये फिर एल्स पार्ट पर जंप कर जाएगा इस तरीके से। यानी ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये इस कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब ये इस एल्स पार्ट पर जंप कर जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने तीन नंबर्स को इनपुट लेना है, और इन तीनों नंबर्स में से हमें ये चेक करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप तीन नंबर्स को इनपुट लें, और तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों नंबर्स को इनपुट ले लिया ए बी सी, और स्कैनर के थ्रू हमने इन्हें यूजर से इनपुट ले लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने तीन इसकी स्टेटमेंट्स लगाई हैं। पहली स्टेटमेंट में हमने कंडीशन लगाई है कि जो पहला नंबर हमने इनपुट दिया है, अगर ये बड़ा है दूसरे नंबर से, और साथ के साथ अगर ये बड़ा है तीसरे नंबर से, तो ये प्रिंट करवा दे कि जो पहला नंबर है यानी ए है, वही लार्जेस्ट नंबर है। इसी तरीके से हमने दूसरी इफ कंडीशन लगाई है, जिसके अंदर हमने सेकंड नंबर को कंपेयर करवाया है कि अगर सेकंड नंबर बड़ा है पहले नंबर से, और अगर सेकंड नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से, तो फिर ये प्रिंट करवा दे कि जो सेकंड नंबर है, दूसरा वाला नंबर है, वही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। और तीसरी इफ की कंडीशन के अंदर हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो तीसरा नंबर है, जो कि सी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अगर वो बड़ा है ए वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू से, यानी पहली वैल्यू से, इसी तरीके से अगर वो बड़ा है सेकंड वैल्यू से, तो फिर ये प्रिंट करवा दे कि सी सबसे लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपका नंबर जीरो के इक्वल है, तो फिर ये सही से काम नहीं करेगा। इसी तरीके से इस प्रोग्राम को अगर आप देखें, तो ये तीन स्टेटमेंट्स, तीन अलग 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 हमें इफ की स्टेटमेंट्स लगानी पड़ रही हैं। इसी प्रोग्राम को आप नेस्टेड इफ की तरह भी तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले ए का कंपैरिजन करवाएंगे बी से, यानी हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए का कंपैरिजन करवाएंगे बी से। अगर तो ए बड़ा हुआ बी से, देन ये चेक करेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये प्रिंट कर देगा कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये प्रिंट कर देगा कि सी इज द लार्जेस्ट नंबर। दोस्तों, आप इसको एक मिसाल के तौर पर भी लें कि मिसाल के तौर पर ये तीन नंबर्स हैं, ए में हमने स्टोर करवाया है 5,
बी में हमने स्टोर करवाया है 4 और सी में हमने स्टोर करवाया है 3। तो अब ये चेक करेगा कि क्या ए बड़ा है बी से, यानी ये जो हमारी कंडीशन है ये आउटर इफ कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये नेक्स्ट इफ कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 5 बड़ा है 4 से, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चेक करेगा कि क्या 5 3 से भी बड़ा है, इसीलिए ये कंडीशन चेक होगी। और ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा 5 इज लार्जेस्ट, यानी ये जो हमारा ए में वैल्यू मौजूद थी 5, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सी के अंदर वैल्यू दे देते हैं 7, तो अब पहले तो ये चेक करेगा कि क्या 5 4 से बड़ा है, इसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। लेकिन जब ये चेक करेगा कि क्या 5 7 से भी बड़ा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये प्रिंट करवा देगा कि 7 इज लार्जेस्ट, यानी सी इज लार्जेस्ट। अब आइए इस पूरे सिनेरियो को नेस्टेड इफ एल्स के अंदर तब्दील करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा इफ और यहाँ पर हमने चेक करवाई है आउटर इफ कंडीशन के अंदर कि क्या ए बड़ा है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी ये चेक करेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये प्रिंट कर देगा ए इज द लार्जेस्ट। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन दोनों कंडीशंस को चेक करें तो यहाँ पर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, विच मीन्स के ए ही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स पार्ट पर जंप करेगा, और क्योंकि यहाँ पर ए और बी का कंपैरिजन तो हो चुका है, यहाँ पर इसे पता लग चुका है कि बी ए से छोटा है। तो अब अगर ए सी से भी छोटा हो जाता है तो ये प्रिंट कर देगा कि सी इज द लार्जेस्ट। अब डियर फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी ये जो आपकी आउटर इफ कंडीशन है ये ही फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें किस तरह से अपने प्रोग्राम को चेंज करना होगा। दोस्तों अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी आपकी ये जो a इज ग्रेटर देन b है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब a जो है वो छोटा नंबर है और b बड़ा नंबर है, तो अब a को तो आप निकाल दें, अब सारा कंपैरिजन b और c के दरमियान होगा। यानी अब ये चेक करेगा कि क्या b जो है वो बड़ा है c से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा कि b इज द लार्जेस्ट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट कर देगा c इज द लार्जेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप गौर करें तो ये हमारी सबसे पहले टॉप पर आउटर इफ कंडीशन होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ही हमने इस आउटर इफ के अंदर जो इनर इफ कंडीशन लगाई होगी वो रन होगी। लेकिन दोस्तों अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब आप एल्स के अंदर जाएंगे और एल्स के अंदर आप मजीद इफ एल्स लगाएंगे, जिसमें आप ये कंडीशन लगाएंगे कि बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन इफ के अंदर ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट करवा दे बी इज द लार्जेस्ट, वरना उस इफ के एल्स में ही प्रिंट करवा दे कि सी इज द लार्जेस्ट। आइए अब इस सिनेरियो को प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अब कंट्रोल इस इफ की ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्ट जंप करेगा इस एल्स पर। और आपने देखा था कि एल्स के अंदर हमने मजीद इफ एल्स लिखा था और यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करवाई थी, क्योंकि ए जो है अब बी से बड़ा नहीं है, विच मीन्स के अब जो कंपेरिजन होगा वो बी और सी में होगा। यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या बी जो है वो बड़ा है सी से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट कर देगा सी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से ये नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर काम करता है कि अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इस इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इफ के ब्लॉक के अंदर अगर मजीद कंडीशंस होगी तो उनको चेक करेगा। लेकिन अगर आपकी आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो ये डायरेक्ट एल्स के ब्लॉक पर जंप करेगा और एल्स के ब्लॉक के अंदर जितनी भी कंडीशंस होंगी उनको चेक करेगा। डियर फ्रेंड्स ये था नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम इफ एल्स इफ लैडर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।